morning, dear students. So students, today we are going to study future indefinite tense. हम पढ़ने वाले हैं future indefinite tense जो हमें sound देते हैं गा, गी और गे की. अभी आपको समझ नहीं आया होगा, आगे भी बताती हूँ कैसे गा, गी और गे की sound देते हैं. उससे पहले हम इसकी structure देख लेते हैं. affirmative, negative और interrogative. सबसे पहले affirmative की देखते हैं. subject plus will shall plus verb की first form plus object. नेगेटिव की होती है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव की होती है विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट जो आपकी ये स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होती हैं. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चेंज आ जाता है. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो आपको इजीली ये सब याद हो जाएंगी. आइए इसके एग्जांपल्स देख लें, फिर आपको पता चलेगा ये हमें गा, गी, गे की साउंड कैसे देते हैं. पहला है यू विल राइट अ लेटर, वी शैल गो टू शिमला. अब देखो दो सेंटेंस है, एक में विल आया है एक में शैल आया है, कैसे. अब बात करते हैं विल और शैल, बहुत सिंपल है. आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट हो, आई या फिर वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप शैल लेकर के आएंगे, बाकी सबके साथ आप विल लेकर के आते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो. ठीक, सिर्फ इसमें रूल है आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ आपका विल आता है. तो यहाँ पे यू है तो यू भी प्लूरल में आता है, लेकिन हम यू के साथ भी विल ही लेकर के आएंगे. तो यू विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटर आपका ऑब्जेक्ट. यू विल राइट अ लेटर, तुम एक लेटर लिखोगे, तुम एक पत्र लिखोगे. समझ आ रहा है, तुम एक लेटर लिखोगे. तो ये जो लास्ट में गे आया है फ्यूचर की बात बता रहा है, इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनेट में गया, गी, गे इसको कहते हैं. वी शैल गो टू शिमला, हम शिमला जाएंगे. वी शैल गो टू शिमला, हम शिमला जाएंगे, यहां पे भी गे आया. ठीक, आप आते हैं इसको निगेटिव बनाना, बहुत ईजी है. विल या शैल जो भी है उसके बाद में नॉट प्लेस कर दीजिए, आपका निगेटिव बन जाता है. यू विल नॉट राइट अ लेटर, वी शैल नॉट गो टू शिमला, तुम एक लेटर नहीं लिखोगे, हम शिमला नहीं जाएंगे. उसके बाद इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, सब और भी ईजी है. विल और यू को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, विल और यू को आप आपस में रिप्लेस कर दीजिए, शैल और वी को, वही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिप्लेस कीजिए, आपका यहीं पे इंटरोगेटिव बन जाता है, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क. विल यू राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, शैल वी नॉट गो टू शिमला. हमने यहाँ पे आपको निगेटिव में सवाल कैसे करते हैं कि क्या हम शिमला नहीं जाएंगे, तो वहां पर भी सिंपल है, आप अपने स्ट्रक्चर सेम रखिएगा, लिखने का तरीका कोई चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, बाकी सब आपका सेम रहेगा. शैल वी नॉट गो टू शिमला, क्या हम शिमला नहीं जाएंगे. उसके बाद लास्ट देखते हैं इसका डब्ल्यू एच फैमिली से कैसे बनता है. वेन विल यू राइट ए लेटर, तुम एक लेटर कहाँ लिखोगे, या फिर वेयर विल यू राइट अ लेटर, तुम एक लेटर कहाँ लिखोगे, वैन में कब लिखोगे. वाई शैल वी नॉट गो टू शिमला, हम शिमला क्यों नहीं जाएंगे. वैन विल यू राइट ए लेटर, तुम लेटर कब लिखोगे. और वाई शैल वी नॉट गो टू शिमला, हम शिमला क्यों नहीं जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये सब समझ आ गया होगा, काफी इजी है. अब आप लोगों के इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.